वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस आज का टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में सिंपली क्या होती है बेंजीन रिएक्ट करती है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट बनता है नाइट्रो बेंजीन प्लस वाटर ठीक है ये एक तरीके का अगर डिटेल की बात करें ये एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की ठीक है इट इज एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोटिक रिएक्ट विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट फॉर्म नाइट्रोबेंजिन ठीक है और ये आपकी जनरल रिएक्शन है देखिए ठीक है बेंजिन रिएक्ट करती है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटालिस्ट का काम करता है और बनाता है नाइट्रोबेंजिन प्लस वाटर नेक्स्ट क्या है मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजिन इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप ये तीन स्टेप में कंप्लीट होती है पहला स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कौन सा बनेगा एनओ टू प्लस इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन कौन सा क्या नाम होता है नाइट्रोनियम आयन ये कैसे बनता है देखिए ये नाइट्रिक एसिड को हमने इस तरीके से लिख लिया सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से लिख लिया इसमें जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बेस का काम करता है और और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का काम करता है नाइट्रिक एसिड को कैसे ब्रेक करते हैं ये जो वॉन्ड है ये ब्रेक होगा इस तरीके से इस पे आ जाएगा ओ OH पे माइनस एन टू पे प्लस अब सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ना है तो सल्फ्यूरिक एसिड से एच निकालना है तो ये ब्रेक डाउन होगा इस तरीके से इस पे माइनस और इस पर प्लस ठीक है अब देखिए ये ओ OH और ये एच ये ओ OH और ये एच क्या बनाएंगे वाटर ठीक है समझ में आ गया ये NO2 ये वाला हो गया NO2 NO2 प्लस ये आपका नाइट्रोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है आपका यही मेन इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है इसके साथ में बनेगा एच इसका नाम क्या है एच एस ओ फोर माइनस का हाइड्रोजन सल्फेट एन ठीक है हाइड्रोजन सल्फेट एन ये हो गए फर्स्ट स्टेप स्टेप सेकंड में आई ये इसका नाम इसमें क्या है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एनओ टू प्लस इसमें क्या होता है एनओ टू जो इलेक्ट्रोफाइल बना है नाइट्रोनियन आयन जो बना है वो अटैक करेगा बेंजीन के डबल बॉन्ड पे और इसे ब्रेक कर देगा इस तरीके से इस पे माइनस आ जाएगा इस पर प्लस आ जाएगा ठीक है अब ये एनओ पे कौन सा चार्ज है प्लस ये किस पे अटैक करेगा माइनस पे ठीक है और ये आपका ये वॉन्ड बना देगा ये वाला बॉन्ड बन गया ठीक है अब उसके साथ क्या होगा यहां पे आप जानते हो बेंजीन में सिक्स हाइड्रोजन होती है हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो ये वाली जो हाइड्रोजन कहां से आई पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होती वो ये हो गई अब प्लस ये वाला प्लस हो गया ठीक है यह आपका बन गया कार्बोनियम आयन ठीक है नेक्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो गया कार्बोनियम आयन बन गया अब स्टेप थर्ड में आओ इस इसको बोलते हैं डी प्रोटो प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या फॉर्मेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है अब कैसे बनता है जो ये सेकेंड स्टेट में कार्बोनियम आयन बना था अब कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा ये वाला हाइड्रोजन सल्फेट एन हाइड्रोजन सल्फेट एनायन इसका नाम क्या है हाइड्रोजन सल्फेट एनायन क्या करेगा अटैक करेगा और ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगा वो कैसे ब्रेक करेगा इसका जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर हाइड्रोजन पे प्लस ये हाइड्रोजन और ये एच एस ओ फोर माइनस ठीक है दोनों क्या बनाएंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे ठीक है और बचेगा क्या अब जो बचा है यहाँ पे माइनस बचेगा और यहाँ पे प्लस सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है अब ये डब ये क्या करेंगे जो बचा है प्लस और ये माइनस ये डबल बॉन्ड आपका बना लेंगे ये डबल बॉन्ड बना इस तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या क्या बन गया है नाइट्रोबेंजिन ठीक है ये है आपकी पूरी मैकेनिक ठीक है थैंक यू